देखिए, हम बात कर रहे हैं आज फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। हम ये जानते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड यानी ऑर्बिटर का ओवरलैप के कारण ही बॉन्ड बनते हैं। इज दैट क्लियर? तो हमारे पास दो तरह के बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड और एक है हमारे पास पाई बॉन्ड। ये है हमारे पास सिग्मा और एक तरफ है हमारे पास पाई बॉन्ड। जो ऑर्बिटल क्लाउड अगर इस तरह से अटैच हो कि ओवरलैपिंग आपको ऑन द एक्सेस मिले, मॉलिकुलर एक्सेस, ये पहला न्यूक्लियस, ये दूसरा न्यूक्लियस, तो आपको यहां पर क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो ऑर्बिटल है ये ओवरलैपिंग भी कर रहा है, लेकिन कौन सी एक्सेस पे कर रहा है? मॉलिकुलर एक्सेस। मॉलिकुलर एक्सेस मेरे साथ ही लिखेंगे इसको। तो बनने वाले बॉन्ड को आप क्या बोलोगे? क्या बोलेंगे आप? सिग्मा बॉन्ड। तो क्या डेफिनेशन बनेगी यहां पर? इफ ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल प्रेजेंट ऑन मॉलिकुलर एक्सेस, मॉलिकुलर एक्सेस, मॉलिकुलर एक्सेस का मतलब वो एक्सेस जो दोनों न्यूक्लियस को ज्वाइन करती हो, मॉलिकुलर एक्सेस, देन जनरेटेड बॉन्ड कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। दूसरी तरफ अगर हम इस बॉन्ड को इस तरह से देखते हैं कि हमारे पास ओवरलैपिंग बहुत कम हो रही है इफ, और इस तरह से है, और हमारा न्यूक्लियस इस जगह पर है, तो न्यूक्लियस को जो ज्वाइन करेगी वो हमारे लिए क्या कहलाएगी? मॉलिकुलर एक्सेस। ये मॉलिकुलर एक्सेस है हमारे, और जब मॉलिकुलर एक्सेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैपिंग हो रही है जैसा आप यहां देख रहे हैं, तो इस ओवरलैपिंग को आप क्या बोलोगे? पाई ओवरलैपिंग। और बॉन्ड को क्या बोलोगे? पाई बॉन्ड। पाई ओवरलैपिंग और बॉन्ड को क्या बोलोगे? पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड की क्या डेफिनेशन बनेगी यहां पर? इफ ओवरलैपिंग प्रेजेंट ऑन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ मॉलिकुलर एक्सेस, देन जनरेटेड बॉन्ड कॉल्ड पाई बॉन्ड। देखिए, ये तो इसका फर्स्ट पॉइंट था जो आपने यहां करा। आपको लग रहा है ये ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा इफेक्टिव है? हां, मुझे भी लग रहा है। तो इट इज स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग, स्ट्रॉन्ग यानी कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, वेरी हाई, हाई अमाउंट ओवरलैपिंग। सो जनरेटेड बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग, इट इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। And liberate high amount of heat. And liberate high amount of heat. High amount of heat. दूसरी तरफ अगर हम पाई बॉन्ड को देखते हैं,
लेस इफेक्टिव ओवरलैपिंग, इट इज लेस इफेक्टिव ओवरलैपिंग generated bond is weak bond, generated bond is weak bond, तो यहां आपको generated bond कैसा दिखेगा, weak दिखेगा, नहीं देखो अगर आप बात कर रहे हो ध्यान से सुनना, कुछ की पॉइंट्स आपके पास और निकल के आएंगे, फर्स्ट पहला बॉन्ड क्या बनता है सिग्मा और दूसरा कौन सा बनता है पाई, पहले कौन बनेगा सिग्मा या पाई, सिग्मा, ठीक है ना, तो फर्स्ट पॉइंट तो ये है सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, दूसरा पॉइंट है कि सिंगल बॉन्ड इज वीकर देन डबल बॉन्ड, क्योंकि डबल बॉन्ड में दोनों आते हैं सिग्मा एंड पाई, लेकिन इंडिविजुअली पाई की बात करें तो वो तो वीक है, समझ में आ रहा है, तो आप जब बोलते हो कि पाई ज्यादा स्ट्रांग होता है तो आप गलत बोलते हो, लेकिन आप ये बोलते हो कि डबल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है सिंगल बॉन्ड से तो आप सही हो, क्योंकि सिंगल बॉन्ड में सिर्फ सिग्मा होगा, डबल बॉन्ड में सिग्मा प्लस पाई दोनों होंगे, समझ में आ रही है बात, अगर सिंगल बॉन्ड की एनर्जी सपोज एक्स है तो डबल बॉन्ड की एनर्जी क्या होगी 2x या 2x से थोड़ी कम, 2x से थोड़ी कम, क्यों, क्योंकि उसके अंदर दूसरा जो बॉन्ड बनेगा वो पाई बॉन्ड होगा और वो इतना स्ट्रांग नहीं होगा जितना सिग्मा था, ठीक है, तो ये आप लिखिए फास्ट, तो हमारा थर्ड पॉइंट की पॉइंट क्या रहेगा, इससे पता चलता है फर्स्ट बॉन्ड जब भी बनेगा फर्स्ट बॉन्ड ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड, फर्स्ट बॉन्ड ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड एंड इट विल जन एंड सेकेंड बॉन्ड, सेकेंड एंड थर्ड बॉन्ड बॉन्ड्स आर पाई बॉन्ड, पहला बॉन्ड सिग्मा क्यों है, क्योंकि वो स्ट्रांग है, दूसरा बॉन्ड सिग्मा क्यों नहीं है, क्योंकि मॉलिकुलर एक्सेस एक ही है, ठीक है, तीसरा बॉन्ड क्यों सिग्मा नहीं है, क्योंकि दूसरी मॉलिकुलर एक्सेस एक ही है, एक सिग्मा बॉन्ड और दो पाई बॉन्ड पॉसिबल है, तीन पाई बॉन्ड क्यों नहीं बन सकते, क्योंकि एक्सेस तीन ही हो सकती है, तो यानी कि मैक्सिमम बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स आर थ्री, मोर देन थ्री बॉन्ड्स आर नॉट पॉसिबल बिकॉज Only three axes are present. More than three bond between two atoms not possible. Because only three axes are present. Only three axes are present. लिखें इसको